इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ में हाँ। इस वक्त अपडेट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को भोपाल के सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कर लिया। B5 श्यामलाल हिल्स पर 2.5 एकड़ में फैले बंगले के रिनोवेशन में 16 महीने लगे हैं। यह पहला सरकारी बंगला है जिसका दरवाजा महलनुमा बनाया गया है। सिंधिया अपने निवास में हरे रंग के बड़े दरवाजे से प्रवेश करेंगे। इसके दोनों हिस्सों पर कोने वाली दीवार में राजघराने के ध्वज वाले सर्प निशान की आकृति बनाई गई है। प्रदेश में भोपाल में पहली बार सिंधिया सरकारी आवास में रहेंगे। ज्योतिरादित्य सोमवार शाम 4:30 पर पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे माँ आर्यमन के साथ भोपाल पहुँचे। यहाँ से श्यामला हिल्स सरकारी बंगले पर पहुँचे। सिंधिया ने बंगले में विधिवत पूजन किया। इसके लिए ग्वालियर से राजपुरोहित आए थे जिन्होंने विशेष पूजा करवाई। सिंधिया ने कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार में बंगला मांगा था। चुनाव बाद कांग्रेस सरकार आ गई, 15 महीने सरकार चले लेकिन बंगला फाइनल नहीं हो पाया। दोबारा भाजपा सरकार बनने के 10 महीने बाद January 2021 में नया बंगला अलॉट किया गया। करीब 16 महीने में रिनोवेशन के बाद शिफ्ट हुए हैं। सिंधिया का बंगला उमा भारती और दिग्विजय सिंह के बंगले से बड़ा है। सिंधिया उमा के पड़ोसी है जबकि दिग्विजय सिंह 3 बंगले छोड़कर रहते हैं। श्यामला हिल्स पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बंगला भी है। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।